और यही अपील है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से, योगी आदित्यनाथ की ओर से भी की गई है कि आप पहले मतदान करें फिर जलपान करें, और इसी संकल्प को उन्होंने भी पूरा किया है, पहले मतदान किया है। और ऐसे में मतदान के बाद योगी आदित्यनाथ की ओर से अपील की गई है कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें, उम्मीद है कि लोग बड़ी संख्या में मतदान करेंगे, विकास और सुरक्षा के लिए वोट करें। आपको सुनवाते हैं खुद मतदान करने के बाद योगी आदित्यनाथ की ओर से क्या अपील जनता से की गई है। मुझे अभी अपना मतदान देने का अवसर प्राप्त हुआ है। जनता जनार्दन में अपार उत्साह है। यह आम जनमानस की जागरूकता का प्रमाण है कि न केवल जनता जनार्दन अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति बल्कि अपने संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति भी बहुत जागरूक है। खासतौर पर माताएं बहनें जिस उत्साह के साथ मतदान करने के लिए आ रही हैं, ये बहुत शुभ है। और मेरी भी जब 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 6ठे चरण में आज मतदान हो रहा है, तो पूरे 9 जनपदों के उन सभी मतदाताओं से मेरी अपील है कि अधिक से अधिक मात्रा में आकर के अपने अपने मतदान केंद्र में जाकर के अपने बूथ पे जाकर के मतदान करें, क्योंकि ये हमारा संवैधानिक दायित्व भी है एक अच्छी सरकार के लिए, सुशासन की स्थापना के लिए, जनता की आकांक्षा के अनुरूप विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने की दृष्टि भी। मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने 2022 के सामान्य निर्वाचन में बड़े उत्साह के साथ वे लोग भाग ले रहे हैं। 5 चरणों के चुनाव ने इस बात को साबित भी किया है और आज 6ठे चरण का मतदान है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 5 चरणों का जो रुझान है, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में पूर्ण बहुमत से काफी आगे वर्तमान में चल रही है, और आज 6ठे चरण का जो चुनाव है इसमें जोरदार छक्के लगेंगे और भारतीय जनता पार्टी 300-300 के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होगी।